नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। के डीएवी स्थित काशीराम आवास कॉलोनी में अलॉटमेंट वाले आवास में नहीं रहते अधिकतर लोग, भाड़े पर रहते हैं, जिसके कारण यहाँ आए दिन विवाद होता है, तो सभी अपना बोरिया बिस्तर बांधकर फरार हो जाते हैं। रविवार को आवास के एक कमरे में रहने वाली महिला दबंग है। आरोप है कि वह शराब का सेवन करती है। शराब पीने के बाद वह नशे में कॉलोनी वासियों को भरा भरा कहने लगती है। रविवार को उसने अपने पड़ोस के रहने वाली दंपति को से शराब के नशे में विवाद कर रही थी। यही नहीं, आरोप है कि वह महिला आत्महत्या आदि करने की धमकी के साथ फंसाने का आरोप भी लगाती है। आए दिन विवाद होने से परेशान पीड़ित दंपति ने सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची और जिलाधिकारी से जांच की कार्रवाई की मांग की। सर, यही हुआ था कि हमारे पड़ोस में महिला है, सर दारू पीती है, दारू पी के भद्दी भद्दी गाली दे रही थी। हमारी 10 साल की लड़की है, उसको बोलती है कि अपने लड़की धंधा करवाती है। सर, बस यही हम पूछने उससे गए कि हमारे लड़की को क्यों तुम गाली दे रही हो। ठीक है, दारू पी कर हम लोगों को गाली दे रही हो, ठीक है, लेकिन मेरी लड़की को ऐसे क्यों कर रही है। बस इतना कि सर मेरा बाल पकड़ के मुझे मारने लगी। मेरे पेट में 1.5 महीने का बच्चा था, वो खराब हो गया सर। फिर उसके बाद हम भागल गए कोतवाली, वहाँ पे जो हमको समझ में आया सर, वहाँ पे हम लिखवाएं। मेरे हस्बैंड वहाँ पे थे नहीं, मेरे हस्बैंड अपना ठेला लगाते बर्गर चाउमीन का। फिर उसके बाद झूठा मेरे आदमी को वहाँ पे जो आने गए तो क्या हुआ? क्या सर, आने गए तो क्या हुआ? लिखवाने गए थे तो वहाँ पे दीवान जी थे, वहाँ पे सर अपना जो अप्लीकेशन लिखवाएं। फिर उसके बाद हमको बोले जाओ तो अपना जो दवा करा कि मेडिकल वेडिकल अपना करा के लेके आना। तो सर वहाँ पे फिर हम गए, दवा वा लेके चले आए। फिर उसी बीच में मतलब संडे तक छुट्टी हो गई थी। अब फिर उसी समय हम जैसे जा रहे थे तो वहाँ पे सदर में जो थी सोनोग्राफी नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे लोग बोले कि शुक्रवार को सोनोग्राफी होती, शुक्रवार को आना। तो सर इसी दौड़ने धूपने के चक्कर में 15 दिन हमारा बीत गया सर। क्या चाह रही हो? सर हम यही चाह रहे हैं कि उसको वहाँ से हटवाया जाए। कहाँ रहती हैं? सर हम काशीराम आवास में रहते हैं, डीएवी। सर महिला है वो सर, बहुत दबंग मतलब दारू पी लेती है तो जैसे लगता है उसके आगे कोई है नहीं। और सबको मार, एक बार हम पुलिस भी बुलवाए थे सर, हम 100 नंबर बुलवाए थे, तो उनको भी जो कि मार उड़ दी थी 2-3 पड़ाका। फिर जो कि ज़्यादा हम लोगों को एकदम ज़्यादा परेशान किए सर। हम यही चाहते हैं वहाँ से उसको हटवाया जाए, बस हम यही चाहते हैं, क्योंकि आज नहीं हटेगी तो कल मेरे लड़की के ऊपर कोई दुर्घटना करवा सकती है सर। हम लोग नहीं रहते हैं घर पे, क्योंकि हम अपना सिलाई का धंधा करते हैं, अपना दुकान पे बैठते हैं सिलाई करते हैं बाहर आप यहाँ जेल के पीछे, जेल के बगल में। और मेरे आदमी जो है ठेला लगाते हैं बर्गर चाउमीन का सर। सर घर पे मेरे 3 बच्चे रहते हैं, वही मेरी लड़की को बस डर है कि कुछ करवा ना दे मेरे लड़की सर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।